गुरुजी की साथियां हर शनिवार देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। साखी बनाने में अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। श्री गुरु नानक देव जी कहते थे, संगीत आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है। वह प्रथा आज भी चले आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी। हर शब्द का राग गुरुओं ने स्वयं अपने हाथों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। जिस परंपरा को गुरुओं ने चलाया, आज कोई उसे शब्द कीर्तन परंपरा, तो कोई गुरबाणी संगीत परंपरा, तो कोई गुरमत संगीत परंपरा कहता है। संगीत में सिखों का क्या योगदान है और श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के संगीत का प्रभाव कैसा था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो इतिहास का हिस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और अचंभा भी। जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगीतकार और गायक का नाम लिया जाता है, तो उसमें तानसेन, जो अकबर के गायक थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे, उनका नाम ही सभी के दिमाग में आता है। कहा जाता है, जब तानसेन गाते थे तो पशु भी उनके संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके मल्हार राग गाने से लोगों को बारिश का अनुभव होता था। बुझे हुए दीप जल जाते थे। ऐसे महान संगीतकार के गुरु थे स्वामी हरिदास। और अब आपको जानकर अचंभा होगा कि स्वामी हरिदास के गुरु थे भाई मर्दाना जी। अब आप खुद ही समझ जाएं, जो साक्षात तानसेन के गुरु हों, उनके संगीत और भाई मर्दाना के गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के भजन का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि लोग दीन दुनिया छोड़कर उनके सिख बन जाते थे। भाई मर्दाना का रिबाब कैसा बजता होगा कि चारों दिशाएं भक्ति में लीन हो जाती होंगी। गुरु नानक देव जी के हाथ का प्रभाव क्या होगा कि जिन्होंने भाई मर्दाना के सिर पर हाथ रखा और वह गुरुओं के गुरु बन गए। तानसेन का नाम और स्वामी हरिदास का नाम संगीत की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु भाई मर्दाना का नाम संगीत की दुनिया में वैसे नहीं लिया जाता जैसे लोगों को लेना चाहिए। तानसेन और स्वामी हरिदास की स्टैम्प्स भी भारत सरकार द्वारा निकाली गई हैं, परंतु भाई मर्दाना को यह सम्मान या कोई ऐसा सम्मान कभी मिला हमें नहीं दिखाई दिया। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर उन्हें ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला है तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अगर कोई भाई या बहन हमारे चैनल को देख रहा है जो सरकार में अहम पदों पर है, तो हमारा उनसे निवेदन है कि भाई मर्दाना को भी ऐसा कुछ सम्मान जरूर दिलाएं जिसके वे हकदार हैं। सतनाम श्री वाहे गुरु। भ्रमण करते हुए गुरुजी भाई मर्दाना व भाई बाला के संग गया बिहार पहुंचे। भाई बाला ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी गया तीर्थ का वर्णन सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। गुरुजी ने बताया, इस धरती पर गयाशीर नाम का एक दैत्य हुआ है। उसने परमात्मा का तप बहुत लंबे काल तक किया। उसकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे ईश्वर ने पूछा, गयाशीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। मेरा प्रणाम स्वीकारें। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वर दें, इस धरती का कोई भी प्राणी नर्क में ना जाए। यदि हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं तो मर्यादा भंग होगी। यदि किसी को पाप का फल नहीं मिलेगा तो ईश्वरीय नियम समाप्त हो जाएगा। हे महाराज, तो आप सब जीवों के पाप व पुण्य मुझे दे दो। तब गयाशीर को ईश्वर ने वरदान दिया, गयाशीर, तुम इस स्थान पर निवास करो। जो भी इस तीर्थ स्थान गया में अपना शरीर त्यागेगा वह स्वर्ग में जाएगा, और जो पुरुष यहाँ पिंडदान श्राद्ध शास्त्र अनुसार करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा और उसे भी सुख होगा। कथा सुनने के पश्चात भाई बाला ने गुरुजी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया।
वहाँ के पंडितों ने गुरुजी से प्रार्थना की, आप भी यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करें ताकि उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। गुरुजी बोले, हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर छोड़ा है, इसके अतिरिक्त हमने अपने तमाम सिख सेवकों का और उनके पितरों का भी उद्धार किया हुआ है। हमने तो ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा छोड़ा है। उसके पश्चात गुरुजी ने एक शब्द के माध्यम से वहाँ खड़े समस्त पंडितों को समझाया। जिस शब्द का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 358 में दिया हुआ है, जो शब्द गुरुजी ने कहे थे उसका अर्थ समझने से पहले हमें हिंदू मर्यादा में किस तरह से मोक्ष प्राप्ति होती है वह समझना पड़ेगा। हिंदू मर्यादा के अनुसार जब कोई प्राणी मरने लगता है तो उसे चारपाई से नीचे उतार लेते हैं, उसके हाथ की तली पर आटे का दिया रखकर जला देते हैं ताकि जिस अनदेखी अंधेरी राह में उसकी आत्मा को जाना है यह दिया उसके रास्ते में रोशनी करे। उसके मरने के पश्चात जौ अथवा आटे के पेड़े पत्तल में रख दिए जाते हैं। ये मरे प्राणी के रास्ते की खुराक होती है। मृत्यु के 13 दिन बाद क्रिया की जाती है। क्रिया करवाने वाला ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करता है। मरे प्राणी के लिए एक लंबी मर्यादा की जाती है, 360 दिए और इतनी ही बत्तियां और तेल रखा जाता है। वो बत्तियां इकट्ठी ही तेल में भिगोकर जला दी जाती है। श्रद्धा यही होती है, मरे हुए प्राणी को एक साल में पितृलोक पहुंचना है। यह 360 दिए एक दिया रोज एक साल रास्ते में प्रकाश करेगा। संस्कार के 4th दिन हड्डियां अथवा फूल चुग लिए जाते हैं और इन्हें गंगा में प्रवाह कर दिया जाता है। आइए अब जानें गुरुजी ने शब्द के माध्यम से क्या बताया। मेरे लिए परमात्मा का नाम ही दिया है जो मेरी जिंदगी के रास्ते में आत्मिक रोशनी करता है। उस दिए में मैंने दुनिया में व्यापने वाला दुख रूपी तेल डाला हुआ है। उस आत्मिक प्रकाश से वह दुख रूपी तेल जलता है और जन्म से मेरा साथ भी समाप्त हो जाता है। हे लोगों, मेरी बात का मजाक मत उड़ाओ। लाखों मन लकड़ी के ढेर को एक रत्ती जितनी भी आग लगा कर देखें, वह लकड़ी के सारे ढेर को आग लगा कर राख कर देगी। वैसे ही जन्म जन्मांतरों के पापों को एक नाम खत्म कर देता है। हे प्रभु, तेरा नाम ही मेरे लिए गंगा और काशी का स्नान है। तेरे नाम से ही मेरी आत्मा स्नान करती है। सच्चा स्नान वही है जब दिन रात प्रभु के चरणों में भेद बना रहे। ब्राह्मण जौ और चावलों के आटे का पिंड देवता को देता है और दूसरा पिंड पितरों को देता है, और उसके पश्चात देखिए वह खीर पूरी जजमानों के घर खाता है। हे नानक, ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ यह पिंड कब तक टिका रह सकता है? परंतु जो परमात्मा की मेहर का पिंड है वह कभी समाप्त नहीं होता। गुरुजी के प्रवचन सुनकर सभी ब्राह्मण गुरुजी के चरणों में झुक गए। गुरुजी ने उन्हें बताया, परमात्मा का जप ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसके पश्चात गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए।